हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एपी ज्ञान में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम गुना करने का ट्रिक देखेंगे फ्रेंड्स, और इसमें हम दो से तीन मेथड बताने वाले हैं कि कोई सा भी नंबर का कैसे आप गुना कर सकते हैं। पहले तो हम जानेंगे फ्रेंड्स कि कोई सा भी नंबर अगर रहेगा तो हम 9 से मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो और इसमें बहुत सारे आपको ट्रिक देखने के लिए मिलेगा फ्रेंड्स, आप जान लो कि एक से ज्यादा आपको ट्रिक मिलने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आइए, हमारा पहला क्वेश्चन है जिसे 15 × 9 अगर इस टाइप का दे दिया फ्रेंड्स, तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप कैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे। तो आइए दोस्तों, हम जानते हैं जैसे कि 15 मल्टीप्लाई 9 है, तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, कुछ नहीं हमें करना है। जैसे 15 है तो 15 लिख दिए, और यहाँ पे ये देखना है फ्रेंड्स कि 9 कितने बार है, ठीक है। 9 एक बार है तो 10 लगा देंगे, ठीक है। तो 10 लगा दिए, और इसमें जो है 15 माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, इसमें जो है 15 माइनस कर देंगे, ठीक है। इसी में 15 माइनस कर देंगे, तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पे बच गया 4, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया 3, फिर यहाँ पे बच गया 1, तो हमारा 135 आंसर निकल के आ गया। ये हमारा आंसर रहेगा फ्रेंड्स, यही हमारा आंसर आ गया। आप नहीं हो विश्वास हो रहा है तो आप कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हो। आइए, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था, हमारा सेकेंड क्वेश्चन है कि जिसे 15 × 9 अगर 2029 है तो इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 15 लिख दिए फ्रेंड्स, 15 का 15 लिख दिए, यहाँ पे 2029 है तो 20 बैठा देंगे, ठीक है। और ये जो 15 है 15 माइनस कर देंगे फ्रेंड्स, नहीं जरूरी है कि आप 15 है तो 15 से ही 9 को मल्टीप्लाई करोगे, आप कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो दोस्तों, हम आगे सब बताएंगे। तो आइए, हम पहले इसको माइनस कर लेते हैं, 0 हो गया, फिर यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पे हो गया 8, 10 में से 5 गया, 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ पर 9 बच गया, 9 में से 1 गया 8, फिर यहाँ पे बच गया 4, तो 4 के 4 लिख देंगे, फिर 1 के 1, तो ये हमारा आंसर आ गया दोस्तों, ठीक है। तो आइए, हम यहाँ माइनस करना है, माइनस का निशान। आइए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जैसे कि कोई सा भी नंबर हो, मैंने अभी बताया फ्रेंड्स कि कोई सा भी नंबर हो आप नंबर ले सकते हो, जैसे कि 25, ठीक है, 25 ले लिए, मल्टीप्लाई हमें 999 से करना है, तो इसको हम किस तरह से करेंगे दोस्तों। जैसे देखिए, अब यहाँ पे हम 25 लिख दिए, ठीक है, 25 है तो 25 लिख दिए, और यहाँ पे 999 है तो 000 बैठा देंगे, 1 2 3, ठीक है फ्रेंड्स, बैठा दिए। और अब हमें क्या करना है, 25 को माइनस कर देना है, 25 को हम जब माइनस करेंगे दोस्तों, तो 10 में से 5 गया 5, फिर यहाँ बच गया 9, तो 9 में से 2 जाएगा तो बच जाएगा हमारा, 9 में से 2 जाएगा तो 7, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बच गया, यहाँ पे बच गया 9, तो 9 के 9 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 बच जाएगा, 4 यहाँ पे 2, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हमारा, देखिए इतना जल्दी इतना आसान तरीके से हमने इतना जल्दी इतने सारे क्वेश्चन का आंसर निकाल लिए फ्रेंड्स, इतना जल्दी। तो आइए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड्स, फ्रेंड्स एनी की कोई सा एनी वे कोई सा भी नंबर हो, जैसे कि हम 30 ले लेते, ठीक है, 30 × 49 से, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो 30 लिख दिए, 30 सॉरी यहाँ बराबर के निशान आएगा, ठीक है, बराबर का निशान है, तो 30 लिख दिए पहले,
30, अब कितने 9 है, 1, 2, 3, 4, 4 9 है तो 4 0 लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, ठीक है दोस्तों, 4 0 लगा दिए, अब इसको हम 30 माइनस करते हैं, तो अब हमारा आंसर आ जाएगा दोस्तों, 0, फिर 10 में से 3 गया 7, फिर यहाँ पे बच गया 9, फिर यहाँ पे भी बच गया 9, फिर यहाँ भी बच गया 9, फिर यहाँ पे 2, तो ये देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है फ्रेंड्स, आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो आप चेक कर सकते हैं दोस्तों। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि हमें अब हम दूसरा ट्रिक है फ्रेंड्स, ये पहला स्टेप का हो गया था, ये पहला स्टेप, अब हम दूसरा स्टेप में आगे बढ़ते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, दूसरा स्टेप में हम कौन से नंबर ले सकते हैं, जैसे देखिए कि आपको कोई नंबर दे दिया 3, 2, 4, 5, ठीक है फ्रेंड्स, इनटू मल्टीप्लाई 11, अगर आपको कोई सा भी नंबर का है 11 से मल्टीप्लाई करना फ्रेंड्स, तो इसका क्या ट्रिक है देखिए, इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो हम करेंगे, पहले जो पहला नंबर है फ्रेंड्स सेम लिख देंगे, ठीक है, पहला नंबर जो है हम सेम लिख देंगे, फिर इसमें हम 3 3 प्लस 2 कर देंगे, ठीक है, तो 3 प्लस 2 5 हो गया फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम 4 प्लस 2 कर देंगे, ये जो 2 है फ्रेंड्स, 4 प्लस 2 कर दिया तो 6 हो गया, ठीक है, अब हमें आगे क्या करनी है, 6 प्लस 5, ठीक है, अब 4 प्लस 5 कर देंगे तो 4 प्लस 5 करेंगे तो 9 हो जाएगा हमारा, फिर जो 5 है 5 के 5 लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जो 5 नंबर है 5 के 5 लिख देंगे, तो ये देखिए हमारा आंसर निकल के आ गया। आइए दोस्तों हम इसी टाइप के हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं कि अगर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स 2 3 5 4, ठीक है, अब मल्टीप्लाई 11, अब अगर हमें इस तरह क्वेश्चन दे दिए फ्रेंड्स, तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले पहला तो जो नंबर है फ्रेंड्स इसको हम सेम लिख देते हैं, ठीक है, पहला नंबर हमें सेम लिखना है दोस्तों, फिर हमें क्या करना है, 2 प्लस 3 को प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर हमें क्या करना है, 3 प्लस 2, अभी 3 है 3 प्लस 2 कर देना है, ये दोनों को प्लस करेंगे तो 5 3 8, फिर हमें क्या करना है 5, ये जो 5 है प्लस 4, 5 प्लस 4 कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, 5 प्लस 4 इधर ऊपर से हम लिख के बता रहे हैं, ठीक है, 5 प्लस 4 कर देंगे तो 9 हो जाएगा, और जो 4 बचे, जो लास्ट का 4 नंबर है फ्रेंड्स, उसको 4 के 4 लिख देंगे, ठीक है, तो इस तरह से आप फास्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। आइए हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं, जैसे कि फाइव सिक्स फोर थ्री मल्टीप्लाई 11, ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, पहले 5 है तो हम 5 लिख दिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब 5 है तो 5 लिख दिया पहला नंबर, हम ऐसे इस तरह से लिखते जा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, पहले ये लिख दिया, फिर नंबर टू में ए कर दिया, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हम लिख रहे हैं कि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, ठीक है, फिर नंबर टू में हमें क्या करना है, 6 5 11 11 के 1, ठीक है फ्रेंड्स, 11 के 1 ली दिया, कैरी आगे दे दिए, ठीक है फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, स्टेप 3 में 6 प्लस 4 तो 6 4 10, ये 3 लिख देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, स्टेप 3 कि ताकि आपको याद रहे, तो 6 4 10 10 के 0 कैरी हम आगे दे देंगे, अगर हासिल वाला होगा तो हम इस तरह से करेंगे, अब हमें क्या बच गया, अब हमें क्या बच गया फ्रेंड्स, अभी 4 3 7
ठीक है, सात लिख दिए। और ये फोर्थ नंबर, ठीक है, इसमें फर्स्ट में हम क्या लिखे, पांच के पांच लिख दिए। फिर सेकेंड नंबर में क्या लिखे, ओ सेकेंड नंबर में ये दो नंबर को प्लस कर दिए तो छह, छह प्लस पांच हो गया ग्यारह, ग्यारह के एक आगे रिमाइंडर दे दिए फ्रेंड्स। फिर नंबर थर्ड में क्या हो गया, छह प्लस चार, ये दो नंबर को प्लस कर दिए, प्लस कर दिए तो छह चार दस, फिर जीरो लिख दिए, छह चार दस के जीरो और रिमाइंडर आगे दे दिए फ्रेंड्स, हासिल कैरी। अब जो कुछ बोल सकते हो। फिर नंबर फोर्थ में क्या होगा, चार प्लस तीन सात हो गया। अब हमें नंबर लास्ट में क्या होगा कि जो सेम नंबर है थर्ड है तो लास्ट में थर्ड लिख, थ्री लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से आप अभी इसको जो है आप प्लस कर दो, ठीक है, इसको प्लस करते हैं तो तीन सात जीरो दो छः, तो ये हमारा आंसर इस तरह से आ जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है दोस्तों, इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। आइए हम और भी क्वेश्चन देख लेते फ्रेंड्स कि हमारा और किस टाइप का क्वेश्चन बनता है। आइए एक क्वेश्चन और भी इस टाइप का ले लेते हैं, फिर दूसरा स्टेप की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। जैसे कि आपको दे दिया, सिक्स एट सिक्स फाइव, ठीक है फ्रेंड्स, मल्टीप्लाई इलेवन। तब हम इसको क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए पहले जो नंबर है फिर सेम लिखते हैं, फिर दूसरा स्टेप में ये दोनों का प्लस करते हैं, ठीक है, तो आठ छह चौदह, चौदह के चार बाकी एक, फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको आठ छह चौदह कर दिए, अब छ, अब आठ छ, ठीक है, आठ छह चौदह, चौदह के चार कैरी आगे दे रहे हैं, फिर यहाँ पे छ पांच ग्यारह, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ ऊपर से लिख देते हैं, छ पांच ग्यारह, ग्यारह के एक कैरी एक, और जो लास्ट में जो पांच बचे हुए फ्रेंड्स, जो लास्ट में जो लास्ट वाला जो डिजिट है हम सेम फिर से लिख देंगे, ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, इसको हम प्लस कर देते हैं, पाँच एक चार एक पाँच, चार एक पाँच छ एक सात, ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, आप देख सकते हो। आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे फ्रेंड्स। देखिए पहला जो नंबर है हमने सेम लिख दिया, फिर दूसरा स्टेप में छ छ प्लस आठ किया तो छ आठ चौदह, चौदह के चार रिमाइंडर जो आगे कैरी बचता फ्रेंड्स आगे हम दे दिए, फिर नंबर टू में आठ प्लस आठ प्लस छह तो चौदह, चौदह के चार फिर रिमाइंडर आगे दे दिए, ठीक है फ्रेंड्स, फिर छह पांच ग्यारह, ग्यारह के एक फिर रिमाइंडर एक बच गया तो आगे दे दिए, फिर लास्ट वाला जो डिजिट है फ्रेंड्स सेम लिख देना, फर्स्ट डिजिट सेम लिखना फिर लास्ट डिजिट सेम लिख देना, तो इस तरह से देखिए बहुत ही आसानी तरीके से हम आंसर ले आए फ्रेंड्स। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साइड बढ़ते हैं दोस्तों, हमारा अगला स्टेप का थर्ड स्टेप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो हम एक दूसरा ट्रिक है, ट्रिक नंबर थर्ड, जैसे कि आपको वन सेवन टू, ठीक है, वन सेवन टू थ्री कुछ भी दे दे फ्रेंड्स, आपको मल्टीप्लाई अगर ट्वेल्व से आ गया करने के लिए, देखिए वन सेवन टू थ्री, वन सेवन टू थ्री मल्टीप्लाई ट्वेल्व से बारी है, ट्वेल्व से अगर कोई सा भी नंबर का अगर ट्वेल्व से मल्टीप्लाई करना हो तो हम इसको किस तरह से करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं, जैसे कि पहला नंबर हम सेम लिख देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, पहला नंबर हम सेम लिखेंगे, फिर इसमें जो है वन प्लस कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, जितना नंबर आएगा उतना नंबर हम प्लस कर देंगे, जैसे कि इसमें वन है तो वन प्लस कर देंगे, ठीक है, और जो सेवन है फ्रेंड्स इसमें प्लस कर देंगे, सेवन प्लस टू, ठीक है फ्रेंड्स, सेवन सेवन प्लस टू हो गया सेवन एट नाइन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो सेवन है फ्रेंड्स सेवन में सेवन और प्लस करना है, ठीक है, सेवन में सेवन प्लस करके और टू में ऐड कर देना है, तो साथ साथ चौदह चौदह दो चौदह पंद्रह सोलह,
16 के 6 रिमाइंडर 1 बच गया तो आगे हासिल दे देंगे कैरी। फिर इसमें क्या करना है हमें 2 प्लस करना है, ठीक है 2 में 2 प्लस करेंगे तो 2 2 4 और इसमें जो है 3 जो है 3 में हम प्लस कर देंगे तो 4 3 7, ठीक है फ्रेंड्स 7 बच हो गया। अब हमें क्या करना है, पहले जब 11 से हम मल्टीप्लाई कर रहे थे दोस्तों तो हम लास्ट वाला डिजिट सेम लिख रहे थे, मगर इसमें जो है लास्ट वाला डिजिट जितना नंबर रहेगा उतना नंबर हम इसमें ऐड कर देंगे। जैसे लास्ट का डिजिट है 3 तो 3 हम इसमें और ऐड कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स तो 3 3 6 तो अब इसको हम प्लस कर देते हैं, ठीक है देखिए किस तरह से 6 प्लस कर देते हैं 6 7 6 9 1 10 और 1 1 2, ठीक है फ्रेंड्स तो इस तरह से जब कोई सा भी नंबर का मल्टीप्लाई करना हो तो आप इस तरह से आप कर सकते हो, कोई सा भी नंबर हो एनीवे कोई सा भी नंबर हो, ठीक है। आइए हम इसी टाइप का और भी क्वेश्चन समझ लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे कि कोई सा भी नंबर हो हम 1819 मल्टीप्लाई 12, ठीक है फ्रेंड्स अब हम इसको मल्टीप्लाई करनी है तो हम इसको कैसे करेंगे, पहला जो नंबर है पहला डिजिट का नंबर पहले सेम लिख लेते हैं, फिर पहले डिजिट में 1 प्लस करते हैं तो 2 हो गया, फिर 2 जो है 8 में प्लस कर देंगे तो 8 प्लस 2 8 9 10 10 के 0 रिमाइंडर 1 बच गया तो 1 आगे दे दिए। फिर इसमें हमें 8 और प्लस करना है और फिर इसको 1 से प्लस कर देना तो 8 8 16 1 17 17 के साथ रिमाइंडर 1 बचा तो आगे दे दिए कैरी। फिर इसमें 1 में 1 प्लस करेंगे 1 में 1 प्लस किए और फिर 9 प्लस कर दिए तो 9 10 11, ठीक है 9 जितना नंबर रहेगा फ्रेंड्स इसको डबल करके आगे वाले नंबर से हमें प्लस कर देनी है, ठीक है फ्रेंड्स जैसे 1 है तो 1 हम 1 प्लस किए और फिर आगे वाले नंबर से हमें जोड़ना है तो 9 प्लस 2 9 10 11 11 के 1 रिमाइंडर 1 बच गया। फिर हमें क्या करना है 9 है लास्ट का नंबर 9 है तो 9 इसमें ऐड कर देंगे और इसको कोई सा भी नंबर से नहीं जोड़ना, सिर्फ 9 ऐड करके 9 ही प्लस कर देनी है, ठीक है दोस्तों तो 9 9 18 18 के 8 कैरी 1, ठीक है फ्रेंड्स अब इसको हम प्लस करते हैं 8 1 1 2 7 1 8 फिर 1 फिर 2 तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ गया फ्रेंड्स। आई होप कि आपको ये मल्टीप्लाई समझ में आ गया होगा। आइए हम और भी एक क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेते फ्रेंड्स कि ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। कोई सा भी नंबर हो फ्रेंड्स कोई सा भी नंबर हो कोई सा भी आप नंबर ले सकते हो, इसमें कोई मतलब वो बात नहीं है कि मतलब जो नंबर हम बता रहे हैं वही नंबर आपको लेना है, इसमें आप कोई सा भी नंबर आप ले सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आइए हम दूसरा नंबर ले लेते हैं, जैसे कि 1 3, ठीक है 1 3 2 5 मल्टीप्लाई 12, ठीक है दोस्तों अब हम इसको किस तरह से करेंगे देखिए, पहले वो पहला डिजिट है जो सेम लिख लेते हैं, फिर पहले डिजिट में 1 प्लस करेंगे तो 2 हो गया, फिर 2 है जो 3 में प्लस कर देंगे, इस तरह से हम आपको बता देते हैं घेरा लगा के, ठीक है प्लस कर दिए तो 3 2 5। फिर ये जो 3 है फ्रेंड्स इस नंबर को हम डबल कर देंगे, ठीक है डबल करके फिर आगे वाले नंबर से प्लस कर देंगे, ठीक है तो 3 2 3 3 प्लस 3 कर दिए 3 3 6 6 6 प्लस 2 तो 6 7 8 6 7 8, ठीक है फ्रेंड्स। अब इस नंबर को भी डबल कर देते हैं, 2 को भी डबल करते हैं और आगे वाला 5 नंबर से जोड़ देते हैं, आगे वाले नंबर से जोड़ देते हैं तो 4 4 प्लस 5 9 हो गया 5 4 9। अब लास्ट वाला डिजिट है फ्रेंड्स तो लास्ट वाला डिजिट को भी हम डबल कर देते हैं तो 5 5 10
यहाँ पे 10 हो गया तो रिमाइंडर 1 बच जाएगा तो आगे कैरी दे देंगे। अब इसको हम प्लस करते हैं, ठीक है, इसको प्लस करते हैं तो 0 9 1 10, 10 के 0 बाकी 1, 8 1 9 8 1 9 5 का 5 1 का 1। तो इस तरह से आप ये हल कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरीके से। आइए हम और भी क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फ्रेंड्स, हम आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए ताकि हम आपके सवाल का जवाब दे सके फ्रेंड्स। ठीक है, आपको अगर मजा आ रहा है फ्रेंड्स तो आप हमारे वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके दोस्तों इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जैसे कोई सा भी नंबर हो फ्रेंड्स, कोई सा भी नंबर हो, एनी वे कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, जैसे हम कोई सा भी नंबर ले लेते हैं, ठीक है, 2, 3, 4, 5, ठीक है फ्रेंड्स, कोई सा भी नंबर हो। अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो पहला डिजिट है जो सेम लिखना है, ठीक है, सेम लिखना है। फिर पहले डिजिट अगर 2 है तो 2 डबल कर देंगे, तो डबल कर दिया तो 4 हो गया। जैसे पहला वाला डिजिट जो भी जितना भी नंबर रहेगा फ्रेंड्स उसको हम डबल कर देंगे, ठीक है, पहले 1 था तो 1 डबल किए थे, अभी 2 है तो 2 प्लस कर देंगे, ठीक है, जितना नंबर रहेगा उसको इतना में ऐड कर देंगे। अब ये जो है 4 बन गया फ्रेंड्स, 2 जब ऐड किए तो 4 बन गया। अब 4 को 3 में 3 से प्लस कर देते हैं, ठीक है, तो 4 3 7, तो 7 हो गया फ्रेंड्स। अब 3 को ऐड, 3 को डबल कर देते हैं, 3 में 3 प्लस करते हैं तो 3 3 6, फिर 4 में 4 सॉरी 3 3 6, इसको 4 में प्लस करना है, ठीक है, तो 6 4 10, 10 के 0 रिमाइंडर 1 बच गया, हासिल कैरी। फिर 4 को हम प्लस डबल करते हैं और आगे वाले नंबर को जोड़ देते हैं, ठीक है, 4 में 4 प्लस किए और आगे वाले नंबर में जोड़ दिए फ्रेंड्स, तो 4 4 8, 8 5 8 5 13, ठीक है फ्रेंड्स, 8 8 8 9 10 11 12 13, 8 5 13, 13 के 3 बाकी 1। और फिर लास्ट वाला डिजिट में हम डबल कर देंगे, जो 5 है फ्रेंड्स, 5 को 5 हम डबल कर देते प्लस कर देते, तो 5 5 10, 10 के 0 बाकी 1। अब देखिए इसको हम जोड़ते हैं, 0 3 1 4 1 7 1 8, फिर 2, तो हमारा इस तरह से आंसर निकल के आ जाएगा दोस्तों। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। आइए और भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं फ्रेंड्स, और भी 1 से 2 क्वेश्चन और भी देख लेते हैं, ठीक है। इसी टाइप का फाइव सिक्स फोर मल्टीप्लाई 12, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसको आप क्या करोगे, पहला डिजिट सेम लिख दिए, ठीक है, फिर आगे वाला डिजिट पहला डिजिट सेम लिख दिए, फिर पहले डिजिट को डबल कर दिए, ठीक है, जितना है उतना प्लस कर दिए, जैसे 5 नंबर है तो 5 प्लस कर देंगे, ठीक है, तो 5 5 10 हो जाएगा। तो 10 सिर्फ नहीं लिखेंगे फ्रेंड्स, जब डबल करेंगे और ए जो 6 है आगे वाले नंबर में जोड़ देंगे, ठीक है, तो 5 5 10 10 6 16 16 के 6 रिमाइंडर 1, हासिल 1 बच गया कैरी। फिर हम 6 को डबल करेंगे, ठीक है, प्लस 6 आगे तो 6 6 12, फिर इसमें आगे वाले नंबर को जोड़ते जाएंगे फ्रेंड्स, ठीक है, तो 6 6 12, 12 4 12 13 14 15 16, 12 4 16 16 के 6 बाकी 1, कैरी 1 बच गया फ्रेंड्स। अब हम इसको 4 को भी डबल करेंगे तो 4 4 8, ठीक है फ्रेंड्स, 4 4 8 हो गया, तो 8 के 8 लिख देंगे, ठीक है दोस्तों। अब इसको हम प्लस कर देते हैं, 8 6 6 7 5 1 6, ठीक है फ्रेंड्स,
तो इस तरह से हमारा आंसर निकल के आ गया। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। आपको ये अगर कोई कंफ्यूजन है फ्रेंड्स तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड जितना हो सके दोस्तों आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और सारे लोग जो भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं उनको मेथड के पता चले दोस्तों। और एग्जाम में फ्रेंड्स बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है तो इसलिए मेथड को पता होना बहुत जरूरी है दोस्तों कि ताकि हमें ट्रिक जब पता रहती है तो कोई सा भी बड़ा से बड़ा नंबर छोटा से छोटा नंबर हम मल्टीप्लाई मिनटों में सेकंडों में कर लेते दोस्तों। तो आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।